इसके लिए आए हैं, जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, तो वो क्यों इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें जवानों की यूनियन बनानी पड़ रही है तो क्यों बना रहे हैं हम, क्या ऐसी मजबूरी थी कि हमें अपने जवानों की यूनियन बनानी पड़ी। तो सबसे पहले हमें उन चीजों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जितने सिविल डिपार्टमेंट है, देखिए हम फौज में सेना में नौकरी किया हमने, वहां पे जब तक हम सेना में थे तो वहां पे आर्मी रूल्स में किया हमने, हमें हमारी कुछ मजबूरियां रही होंगी कि हम नहीं बोल सकते वहां पे, हम नहीं तो ऐसा काम कर सकते कि जिससे किसी को पता चले। लेकिन हमारे ऊपर दबाव क्या था, हमारे ऊपर दबाव यह था कि हमें अभी तक हमारे जवानों को यही पता नहीं है कि वो जब पेंशन आ जाता है तो वो आर्मी रूल के अंडर नहीं रहता। आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप अपना संघर्ष कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हमारे पुराने बुजुर्ग जितने भी थे उनको नहीं मालूम था। तो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यही थी। आप जितने भी देखोगे आईएएस आईपीएस, जितने भी क्लास वन है क्लास टू है, या मान लीजिए जो अनपढ़ है दर्जा चार मुलाजिम है सिविल डिपार्टमेंट में, जितने भी आप कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट से डिटेल ले लीजिए, उनकी दर्जा चार मुलाजिमों की भी यूनियन अलग बनी हुई है। अगर दर्जा चार वाले जो बिल्कुल अनपढ़ श्रेणी में आते हैं, अगर वो अपनी मांगे खुद मांग सकते हैं, और सबसे बड़ा और जोरदार प्रदर्शन धरना प्रदर्शन जो होता है वो दर्जा चार मुलाजिमों का होता है, और जितनी भी उन्होंने डिमांड आज तक रखी है वो उनकी पूरी हुई है। अगर दर्जा चार जो कम पढ़े लिखे हैं अगर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब हमने 2009 में चले थे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा था, हम जिस भी फौजी के पास जाते थे, पुराने बुजुर्ग के पास जाते थे, यूनियन बनानी है जवानों की, हम अपने लिए खुद संघर्ष करेंगे, तो वो क्या बोलते थे। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि जंतर मंतर पर जरूर वहां पे हाजिरी लगवाओ। काफी समय हो गया, माफी चाहूंगा ज्यादा समय ले लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से बातें सुनी, लेकिन इसको अमल में भी लेके आना है। नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आज हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो मीटिंग थी वो रखी गई थी यहाँ पर। जैसा कि आपको बताया कि काफ़ी लंबे समय से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं जंतर मंतर पर अपनी हक की डिमांडों को लेकर, अपनी असली वाली ओआरओपी लागू करवाने के लिए। तो यहाँ पर आज हमारे पूर्व सैनिकों की मीटिंग थी और उस मीटिंग में यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऐलान हो चुका है, और यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर साझा कर दिया गया है कि यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनको 20 फरवरी को यहाँ पर पूरा एक साल हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे पूर्व सैनिक जी हाँ धरना प्रदर्शन में जुड़े, और यहाँ पर सरकार को दिखा दे कि जब तक आप हमारी डिमांड को लागू नहीं करोगे तब तक हम अपने प्रोटेस्ट से हटने वाले नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो रैली थी वो यहाँ पर थी, और जितने भी हमारे मुख्याचार्य थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे यहाँ पर इस रैली के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो ऐलान भी हो चुका है। अब देखते हैं कि शायद जो 20 फरवरी है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है कि आखिर 20 फरवरी को पूरा एक साल हो जाएगा तो उसमें यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर 20 फरवरी के यहाँ पर को लेकर 20 फरवरी के दिन को लेकर जैसे कोई बड़ी अपडेट आती है या फिर कोई बड़ा ऐलान होता है कि आखिर 20 फरवरी को पूरे एक साल के दिन आखिर क्या बड़ा यहाँ पर होने वाला है ओआरओपी प्रोटेस्ट को लेकर, तो हम आपके साथ तुरंत ही बड़ी अपडेट देंगे, तो हम आपके साथ तुरंत ही जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी पूर्व सैनिकों को जय हिंद जय भारत।